दुनिया में कई तरह के शौक होते हैं, उनमें से कुछ बड़े ही अजीबोगरीब शौक भी होते हैं जिनके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाए। ऐसा एक शौक किस तरह एक महिला को भारी पड़ा आपको हम दिखा रहे हैं। बालों का गुच्छा आप देख रहे हैं ना, ये निकला है एक महिला के पेट से और इसका वजन है करीब 10 किलोग्राम। जरा सोचिए, 10 किलो का बालों का गुच्छा, वो भी पेट में, सुनकर कोई भी चौंक सकता है और हैरान भी हो सकता है कि आखिर इतना बड़ा बालों का गुच्छा पेट में गया कैसे। तो इसका जवाब है बाल खाने का शौक। यूपी की गिरिजा नाम की महिला को बाल खाने का यह शौक इतना महंगा पड़ा कि इसकी जान तक जोखिम में पड़ गई। बाल खाने की शौकीन इस महिला को जब पेट में दर्द होने लगा तो कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर डॉक्टर कुछ भी पता नहीं लगा पाए। आखिरकार वाराणसी के प्रज्ञा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने इस महिला की जांच शुरू की और जांच की और ऑपरेशन का फैसला लिया। ऑपरेशन से बालों के इस गुच्छे को इसके पेट से निकाला गया। ऑपरेशन के बाद गिरिजा की हालत ठीक हुई है। आप देख सकते हैं कितना भयानक है ये दृश्य, जिसमें एक महिला के पेट से 10 किलोग्राम का बालों का गुच्छा निकाला जाता है। और ये खबर जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी सकते में होंगे, चौंक गए होंगे कि कोई इतनी ज्यादा बाल खाकर भी जिंदा कैसे रह सकता है। लेकिन इस महिला का शौक था बाल खाना और वो बाल इतने खा गई कि पेट में 10 किलोग्राम बाल इकट्ठा हो गए, पेट में दर्द उठा। डॉक्टरों को दिखाया और जब डॉक्टरों की टीम ने पूरा मुआयना किया, चेकअप किया, ऑपरेशन कर 10 किलोग्राम इस महिला के पेट से बाल बाहर निकाले, तब जाकर कहीं इस महिला का दर्द कम हुआ और ये बच गई। खतरे में थी महिला, 10 किलोग्राम बाल का गुच्छा इस महिला के पेट में था। तो आप देख रहे हैं बालों का गुच्छा 10 किलोग्राम, ये बालों का गुच्छा निकला है एक महिला के पेट से। घटना है वाराणसी की और वाराणसी की रहने वाली इस महिला के पेट में जब दर्द उठा, डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टरों ने जब चेकअप करना शुरू किया, उन्हें इस बात का अंदेशा हुआ कि इसके पेट में कुछ न कुछ जरूर है। जब पेट का ऑपरेशन करने का फैसला किया गया, ऑपरेशन करने के बाद 10 किलोग्राम बालों का गुच्छा पेट से बाहर निकाला और ये महिला स्वस्थ हो गई। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर वैभव बोरसे। डॉक्टर जी, आपका स्वागत है टीवी 9 में। डॉक्टर वैभव, आप ये बताएं कि आखिर कैसे कोई भी शख्स या ये महिला बच पाई 10 किलोग्राम बाल पेट में होने के बावजूद? जी, ऐसी ये जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। जी, इसमें ये बाल खाने की बीमारी के साथ पेशेंट में दूसरे लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि नैराश्य, डिप्रेशन बोलते हैं जी, तो वो उनके साथ रहते हैं। और उसके साथ ही ये जो पेशेंट है वो एकदम इतने बाल नहीं खाते हैं, धीरे धीरे जो बाल तोड़ते हैं। ट्राइकोटिलोमेनिया का मीनिंग ही वही होता है, ट्राइको मतलब बाल, टिलो मीन्स तोड़ना, और मेनिया जो वो बीमारी है उसको बोलते हैं। तो ये पेशेंट धीरे धीरे बाल खाते हैं और वो बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ते हैं कि जब तक वो पेट में जाके बंद, पेट की जो आउटलेट है जहाँ से खाना बाहर पड़ता है वो बंद ना कर पाए, तब तक पेशेंट में कुछ भी लक्षण पाए नहीं जाते हैं। डॉक्टर वैभव, कितना ज़्यादा हानिकारक है बाल खाकर अपने पेट में बाल जमा करना? अगर ज़रा सी भी देरी हो जाती इस महिला के चेकअप में, क्या जान भी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, ये जो बालों का गुच्छा है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स और सेल्यूलोज रहते हैं और वो बढ़ते बढ़ते ही जाता है। अगर वो अपने आंतड़ों की जो साइड वॉल है उसको चिपक जाए तो अल्सरेशन, ब्लीडिंग और आंतड़ों में होल भी
पड़ सकता है जिससे जान को खतरा हो सकता है। वजह क्या आपको लगती है डॉक्टर वैभव बोरसे, आखिर कोई भी शख्स बाल क्यों खाना चाहेगा, ऐसी क्या प्रवृत्ति मन में आती है, क्या बदलाव होते हैं शरीर में कि बाल खाने की इच्छा होती है और बाल आदमी लगातार खाता है? 10 किलो पेट में बाल होना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं, ये बीमारी जो है वो मुख्यतः महिलाओं में पाई जाती है और ये अकेली बीमारी नहीं है, इसके साथ में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, पेशेंट के स्ट्रेस रहता है और डिप्रेशन रहता है जिसके साथ ये बीमारी पाई जाती है। जी डॉक्टर, आप ये बताएं कि ऐसे में जब इस महिला का इलाज हो गया है, ऑपरेशन किया, पेट में से 10 किलो गुच्छा निकाला बालों का, इसके बाद किस तरह की एहतियात बरतनी पड़ती है पेशेंट को, कौन सी दवाइयां दी जाती हैं, पेट में क्या कोई जख्म भी होते हैं बाल खाने से? जी हाँ, मैंने जैसे ही पहले बोला कि ये बालों का गुच्छा जो अपने पेट के जो वॉल है उसमें चिपक जाए तो उसमें अल्सरेशन होता है और फिर खाना आगे नहीं जा पाता, जिसको हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसके लिए दवाइयाँ तो है नहीं, इसके लिए एक ही ऑप्शन है, सर्जरी, ऑपरेशन करके वो पेट से वो बालों का गुच्छा निकाल लेना चाहिए। और जो पेशेंट की पहली बीमारी है, जैसे डिप्रेशन की शिकार है या नैराश्य है या घर पे स्ट्रेस है, तो उसको उसका ट्रीटमेंट कराने से ये क्योर होता है। जी, लेकिन कितना वक्त लग जाता है एक सामान्य जीवन जीने में? पेट में इस महिला के बालों का गुच्छा था, ऑपरेशन हुआ, बाल बाहर निकाले गए पेट से, कितना और वक्त लग जाता है सामान्य तौर पर खाना या कुछ भी पीने के लिए? क्या पेट तैयार होता है ऑपरेशन के बाद कि आप कुछ भी खा पी सकते हैं? हाँ, ऑपरेशन के बाद जब तक जख्म भर नहीं जाए, दो से तीन हफ्तों का अवधि लगता है और बाद में वो पहले से खा सकती है। कुछ कुछ पेशेंट में अगर ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन, जहाँ पे वो अल्सरेशन या स्टमक की वॉल को परफोरेशन हो गया है, तो उनका वो जो पेट है वो निकाल देना पड़ता है, तो उनको फिर खाना खाने में तकलीफ हो सकती है। जी डॉक्टर, यहाँ पे आप ये बताएं कि आपने कहा कि एक मानसिक रोग भी हो सकता है इसलिए कोई भी शख्स बाल या अन्य चीजें खाता है, लेकिन इसके लक्षण बहुत जल्द ही परिवार वाले इस बात को भांप लें और अपने ही किसी सदस्य को ऐसी कोई भी काम करने से रोका जाए, ये पता कैसे लगे कि ये शख्स डिप्रेशन में है, इसे बाल या अन्य चीजें खाने की आदत पड़ गई है? जो हम पेशेंट में देखते हैं डिप्रेशन के जो लक्षण हैं, कि अकेला अकेला रहना, खाना कम खाना, बाद में किसी से बात नहीं करना, घुल मिलना नहीं है, जो पेशेंट है वो दूसरों से घुल मिलते नहीं है, ज़्यादा एक्टिविटीज, जो बाहर का एक्टिविटीज़ है वो कम करते हैं, और उसके साथ ही पेशेंट के अगर लंबे बाल है तो वो बाल टूटे हुए दिखते हैं, ज़्यादा कि जो बाल आगे है और हाथ से जो पकड़ सकते हैं वो आधे टूटे हुए दिखते हैं, डॉक्टर भी वो देख के पहचान सकते हैं कि इसमें बाल खाने का ये पेशेंट बाल खाने की मरीज़ है और उसे जान सकते हैं। और दूसरा मतलब पेशेंट के जो लक्षण है बाल खाने के बाद, जो पेट में बालों का गोला होता है उसकी वजह से खाना आगे जाता नहीं है और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से उल्टियां चालू होती है, पेट दर्द होता है, पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, बाहर से पेट में सूजन दिखती है। जी डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में डॉक्टर वैभव बोरसे, और उनके मुताबिक बाल खाने के बाद बहुत ज़्यादा वो इंसान जोखिम उठाता है, बाल खाने से पेट में अल्सर तक हो सकता है, पेट निकालना पड़ सकता है, और इस ऑपरेशन के बाद कुछ वक्त लगता है एक सामान्य जीवन जीने के लिए, लेकिन ये एक मानसिक रोग है, ये एक मानसिक लक्षण है, डिप्रेशन का शिकार कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करता है, जैसे इस महिला ने बाल खाए, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद पेट से 10 किलोग्राम बाल का गुच्छा बाहर निकाला गया, लेकिन फिलहाल ये महिला अब स्वस्थ है। वक्त होगा छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शरारती कारनामे, जिसे देखकर आपको गुस्सा कम आएगा, हंसेंगे आप ज्यादा।